बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संसद से निलंबित सांसद मकर द्वार पर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इन सांसदों से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने मुलाकात की, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी निलंबित सांसदों के साथ धरने पर बैठ गई। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन ही लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने के अगले ही दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा काटा था और विपक्ष के 14 सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसीलिए विपक्ष के निलंबित सांसद धरने पर बैठ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद से निलंबित सांसद मकर द्वार की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। इन सांसदों से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी मुलाकात की है। तो संसद में विपक्ष के रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद भवन की दोनों इमारतें लोकसभा स्पीकर के अधीन आती हैं और ऐसे में बीजेपी स्पीकर के आदेश को फॉलो कर रही है और ऐसे ही कार्रवाई आगे बढ़ रही है। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्य क्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहे है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे, इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। और विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने संसद का एक दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा कि 11 अप्रैल 1974 को पिस्तौल के साथ संसद में घुसने वाले आरोपी की घटना को बीजेपी, जनसंघ, तत्कालीन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया और लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा गया। निशिकांत ने लिखा कि उस वक्त किसी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिक्र तक नहीं किया जब ऐसी घटना हुई थी। और ये देखिए निशिकांत का वो ट्वीट है, बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने लिखा है कि दरअसल 11 अप्रैल 1974 को जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या लिखा गया था, तब के विपक्ष ने जो भूमिका अपनाई थी वो आज से बिल्कुल अलग थी। और ये भी वो लिखते हैं कि संसद की सुरक्षा केवल लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। तो निशिकांत दुबे, इन्होंने ये एक्स पर पोस्ट डाला है जिसमें निशाना साधा गया है कांग्रेस पर। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सरकार किसी का गला नहीं घोट रही है। उन्होंने कहा कि संसद नियमों के तहत चलती है और जिन सांसदों का निलंबन हुआ है वो अपना रवैया खुद तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनका आचरण क्या संसदीय उन्हें दिखाई दे रहा है। वो सभी सांसद राज्यसभा या लोकसभा के केवल अपनी फुटेज देख लें, अपनी वीडियो देख लें, अपने आचरण को देख लें, फिर राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं वाले नियमावली को पढ़ लें। जब उनकी आत्मा स्वयं कहे कि उन्होंने वो अनुशासनहीनता बरती है जिस परिधि में सस्पेंड किया जाता है तो वो स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक और तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों और कांग्रेस के बीच में संबंध गहरा चुका है। उन्होंने वकील असीद सरोदे का जिक्र भी किया और कहा कि असीद ने कोर्ट में आरोपियों का बचाव करने की पेशकश की है और ये एक खास बात भी है। अब ऐसे में वह व्यक्ति है जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय भागीदार थे। बिल्कुल, अमित मालवीय ने घुसपैठियों के साथ कांग्रेस के संबंधों की जांच की मांग भी की है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट और किस तरीके से लिखा है कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई है उसके साथ है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने देखिए ये ट्वीट किया है और तस्वीर भी बाकायदा शेयर की गई है। कांग्रेस पर इस तस्वीर के जरिए बड़ा हमला बोला गया है। ट्वीट में उन्होंने दावा किया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों और कांग्रेस के बीच संबंध गहरा गया है। संबंध क्यों गहरा गया है प्रशांत बताएंगे। और दरअसल अब यहां पर सरोदे का जिक्र किया, एडवोकेट सरोदे का, जिन्होंने ये दलील दी कि वो उन आरोपियों का केस लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि ये क्या अंतर संबंध वाली स्थिति नहीं है और ये एक बेहद अहम बात भी है। अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी लगातार गर्माती चली जा रही है। अब उधर कांग्रेस की मांग है कि सरकार से इस मुद्दे पर सदन में आकर के स्पष्ट जवाब दिया जाए। आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई राज्यसभा में,
लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं वो बोल लेते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल लाख हमलों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे आता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया, सत्तारूढ़ दल ने किया है, और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले, हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हो, इसलिए गृह मंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनका आचरण असंसदीय रहा है। सुशील मोदी ने निलंबित सांसदों से सवाल भी किया है कि जब ये सहमति बन गई थी कि नई संसद भवन में कोई भी सांसद वेल में नहीं जाएगा तो फिर उसका उल्लंघन आखिर विपक्षी सांसदों ने क्यों किया है। कांग्रेस और विपक्ष का इतिहास रहा है कि जब जब चुनाव हारते हैं तो हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर थोप देते हैं, तो आंतरिक समीक्षा करने के बजाय कि कारण हार के क्या हैं। मैं तो मध्य प्रदेश में था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोटो तक नहीं लगाया कमलनाथ ने। तो संसद सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने एक फोटो शेयर करते हुए संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा के संबंध टीएमसी विधायक तापस रॉय के साथ बताए हैं। और ये तस्वीर जो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी सांसद की ओर से ट्वीट की गई तस्वीर है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाया है कि टीएमसी विधायक के साथ ललित झा तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो आरोपी जिसे अब तक मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तफ्तीश जारी है, वो टीएमसी के बड़े नेता के साथ, एक टीएमसी विधायक के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आरोपी ललित झा जो कि खुद सरेंडर करता है, ये वही आरोपी है ललित झा जो कि लगातार वीडियो बना रहा होता है आरोपियों का और फोन वो जला भी देता है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बासरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल, इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।